हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आशास लाइफस्टाइल। आज हम शेयर करेंगे फिफ्थ सीरीज ऑफ मोदक, मतलब कि गणेश चतुर्थी में मैं ओनली मोदक ला रही हूँ और बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ला रही हूँ। तो इस बार मैंने जो मोदक लाया है वो नो गैस, मतलब नो कुक मोदक है, मतलब इसमें हमें गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिना गैस जलाए हम ये मोदक बनाएंगे और वो भी काजू से, और वो भी सिर्फ 10 मिनट में। तो अगर आप लोग इसकी रेसिपी देखनी है तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। तो चलिए हम ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं, आप इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले ले लिया है 1 कप काजू, और इसके बाद हम मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें काजू डाल देंगे 1 कप, और यहाँ पे उसके बाद हम डालेंगे मिल्क पाउडर 1/4 कप, और उसके बाद हम डालेंगे शुगर 1/4 कप, थोड़ी सी कम उससे, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा नहीं तो। और इन तीनों चीज़ों को एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है। और इसके बाद एक बाउल में इसे निकाल लेंगे, जो हम तीनों चीज़ों का पाउडर बनाए थे उसको निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है, बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची पाउडर डालूंगी। और आप भी इलायची पाउडर डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इलायची का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। और बस इसको फिर हम दूध से इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और दूध हमारा ज़्यादा नहीं लगेगा, नहीं तो हमारा जो काजू का पाउडर है वो थोड़ा गीला हो जाएगा। इसलिए दूध आपको बहुत ही लिमिटेड और बहुत ही ध्यान से डालना है, ज़्यादा दूध डालेंगे तो फिर ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप चम्मच से डालते हैं तो 2 से 4 चम्मच पहले डालिएगा, फिर मिक्स कीजिएगा, तो इस तरीके से हमारा डो रेडी हो जाएगा। और अगर बाई चांस अगर आपका डो गीला हो जाता है तो आप उसमें मिल्क पाउडर डाल सकते हो ऊपर से थोड़ा सा, ताकि हमारा जो डो है वो थोड़ा सा मैनेज हो जाए और ज़्यादा गीला ना हो। तो देखिए ये हमारा एकदम सख्त डो हमें बनाना है, क्योंकि हमें इसे मोदक का शेप देना है। हम बिना गैस इसे मतलब गाढ़ा तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको इस तरीके से हम मैश करते रहेंगे हाथों से, जैसे हम आटा लगाते हैं, तो इस तरीके से ये गाढ़ा हो जाएगा। तो देखिए एकदम मोटा सख्त हमारा डो रेडी हो गया है। तो ये मैंने साँचा ले लिया है मोदक का, आपके पास जैसा भी टाइप का साँचा हो तो वो ले लीजिएगा, अदरवाइज आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं मोदक का। उसके बाद देखिए इसमें छोटे छोटे से बॉल्स बना के मैं डाल रही हूँ, ताकि बहुत ही ईजिली ये इसमें शेप में कन्वर्ट हो जाए, काफ़ी अच्छा मोदक का शेप आ जाए। इसलिए छोटे छोटे बॉल्स बना के मैं डाल रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी से बन जाए, ज़्यादा इसमें मेहनत ना लगे। तो फटाफट से हम सारे इसको फिल कर देते हैं मोदक वाले मोल को, ताकि हमारा जो मोदक है इसमें बन जाए, और बहुत ही मिनी मिनी साइज़ के मोदक बनेंगे इसमें, और काफ़ी सारे बनेंगे, बिकॉज हमारा थोड़ा सा डो था, मतलब कि 1 कप काजू से ही हमने इतना सारा मोदक बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमें मोल को पलटना है, और ईजिली ये डीमोल्ड हो जाता है, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें हमें कुछ भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इसको पलटना है, उल्टा करके थोड़ा सा प्रेशर पीछे से देना है, तो हमारा जो सारा मोदक है काफ़ी ईजिली ये निकल जाता है, डीमोल्ड हो जाता है। और वैसे भी इसमें काजू है, लास्ट में हमने इसमें घी से थोड़ा सा मैश किया था, तो क्या होता है जो घी होता है तो उसकी वजह से हमारा मोल्ड में ये डो नहीं चिपकता है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से हमारे काजू के मिनी मिनी से मोदक बनकर रेडी हो गए हैं, बहुत ही अच्छे। इसको आप थोड़ा सा डेकोरेट कर लीजिए ड्राई फ्रूट से, केसर से, किसी से भी, जिससे भी आपको मन करे। तो मैंने इसको थोड़ा बहुत केसर का दूध, हल्का सा येल्लो सा इस पर छींटे मार दिए ऊपर से, और इस पर पिस्ते से गार्निश कर दिया। आप इसे किसी से भी गार्निश कर सकते हैं, और बस इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से सर्व कर दिया प्लेट, मतलब डेकोरेट कर दिया है, और बस इसको फिर भगवान को भोग लगाइए। बहुत ही दिखने में भी शानदार दिखेगा, और रॉयल का रॉयल हो गया, बिकॉज हमने इसमें काजू से बनाया है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, बल्कि जो आप काजू कतली खाते हैं वैसा ही टेस्ट आएगा, बिकॉज इसमें हमने काजू डाला है और ज़्यादा क्वांटिटी में काजू ही है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आया था। तो बस देखिए इस तरीके से मैंने जो केसर का दूध है वो थोड़ा थोड़ा इसमें लगा दिया है, और थोड़े से पिस्ते से गार्निश कर दिया। तो देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है इसका, देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही यमी, और बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है, बिल्कुल 10 मिनट लगने वाले हैं आपको इसमें। तो अगर आप लोग को ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं फिर ऐसे ही अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।